प्रभास्वी की इंग्लिश रेसिपी में आपका स्वागत है। और आज हम बनाएंगे कर्ड राइस। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डाइजेस्टिव होता है और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। प्रभास्वी की इंग्लिश रेसिपी को सब्सक्राइब करें और वीडियो की तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने लिया है एक कटोरी चावल। जितना आवश्यकता हो आपको उस हिसाब से आप चावल ले लीजिए। मैंने एक कटोरी चावल लिया है और मैंने इसे पका कर रख लिया है। जिस तरीके से हम खाने के लिए चावल बनाते हैं उसी तरीके से मैंने इसे उबाल करके और चावल को बना करके रख लिया है। और एक कप मैंने दही लिया है, आधा छोटा चम्मच काला नमक और आधा चम्मच सादा नमक, 2 से 3 पिंच हमने हींग लिया है, 2 लाल मिर्च, आप हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, 1 चम्मच हरी धनिया और 1 चम्मच देसी घी लिया हमने, आप इसी जगह तेल भी ले सकते हैं, 1 छोटा चम्मच भुना और पिसा हुआ जीरा, आधा चम्मच हमने जीरा लिया है खड़ा जीरा और 1/4 चम्मच काली सरसों के दाने। तो हम कर्ड राइस बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चावल के अंदर दही को मिला लेते हैं। दही को मैंने फेंट करके रख लिया है, इसके अंदर इसे डालेंगे। अब इसमें हम नमक डाल देंगे और इसके अंदर थोड़ी सी हरी धनिया डाल देंगे, बाद में गार्निशिंग के लिए हम डालेंगे पिसा और भुना हुआ ये जीरा पाउडर है, इसे भी डालेंगे। अब इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसे मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हमें इसके अंदर तड़का लगाना है, उसके लिए मैंने तड़का पैन लिया है, इसे मैंने गैस पर रख दिया है, गैस को हम ऑन करेंगे। अब इसके अंदर हम घी डाल देंगे, इसे मेल्ट होने देंगे। घी हमारा गर्म हो चुका है, अब इसके अंदर जीरा और सरसों के दाने डाल देंगे, इसे हल्का सा ब्राउन होने देंगे और इसमें हींग डाल देंगे, हल्का सा चला देंगे। इसमें हम लाल मिर्च डालेंगे, हल्का सा इसे भून लेंगे। अब हम गैस को बंद कर देंगे, हमें इसे जलाना नहीं है, बस हल्का सा फ्राई करना है। अब हम इसके ऊपर तड़का लगा देंगे। इसे मिक्स कर देंगे। ये कर्ड राइस खाने में बहुत टेस्टी लगता है और बहुत हेल्दी भी होता है और डाइजेस्टिव भी होता है। इस तरीके से आप इसे बनाकर खाइए, खाने में मज़ा आ जाती है। इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं और ऊपर से थोड़ी सी हरी धनिया भी डाल देंगे। और ऊपर से थोड़ा सा भुना और पिसा हुआ जीरा भी डाल देंगे। और हमारे दही और चावल में बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। फ्राइड दही चावल या फिर कर्ड राइस, आप कुछ भी कह सकते हैं, ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। आप इसे इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो अपने कमेंट हमें ज़रूर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर एक नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।